आप देख रहे हैं दखल न्यूज। होशंगाबाद में बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा और पुराने बीजेपी नेता अब कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन दोनों ही नेता मतदान के बाद अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। होशंगाबाद इटारसी इलाके में लोगों ने भरपूर मतदान किया। बीजेपी नेता विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा और पुराने बीजेपी नेता अब कांग्रेस प्रत्याशी सरताज सिंह यहां से मैदान में हैं। बीजेपी में अपनी उपेक्षा से नाराज सरताज सिंह ने ठीक चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। सरताज सिंह को उम्मीद है कि जनता उनके साथ है और वह इस चुनाव में विजयी होंगे। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से भी और पार्टियों की तरफ से भी काफ़ी इसके लिए प्रयास किए गए हैं कि अधिक से अधिक वोट डलें और ये चुनाव परिवर्तन करने वाला चुनाव है। जनता में बहुत उत्साह है, जनता का चुनाव है, इस नाते मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अधिक मतदान होगा। होशंगाबाद में सुबह 10 बजे तक सिर्फ 8% वोटिंग हुई थी, लेकिन दोपहर बाद यह प्रतिशत तेजी से बढ़ा। होशंगाबाद के आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। होशंगाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रियंका दास ने भी यहां मतदान किया। इस इलाके से सीता शरण शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हें भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। मतदान मेरा सब मतदाता बंधुओं से आग्रह है कि सभी मतदान करें। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता का वोट देना है और इसलिए सब बंधुओं से अपील है, सब बहनों से, नौजवानों से, बेटियों से कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और इस लोकतंत्र को मजबूत करें। होशंगाबाद इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार यहां बीजेपी मूल के दोनों नेताओं का मुकाबला है, इसीलिए ये चुनाव कुछ ज्यादा ही रोचक हो गया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।